वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक मेकअप लुक, जो कि रेड ब्लैक साड़ी या रेड या ब्लैक ड्रेस के साथ आपको बहुत अच्छे से, ये जो मेकअप लुक है आप कोई भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, लेकिन मैं रेड ब्लैक साड़ी के साथ ही मेकअप लुक कैरी की हूँ। अभी तो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, आप कोई भी फेस्टिवल में इसको एंजॉय कर सकते हो। आगे राखी आ रहे हैं उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। क्लीन करने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेप कर रही हूँ। स्किन केयर करने के बाद अभी अप्लाई कर रही हूँ मैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हमेशा, फाउंडेशन के टाइम मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप फाउंडेशन चूज करो, फाउंडेशन आपके सेट के मुताबिक होना चाहिए। अगर डार्क ले रहे हो तो आप अच्छा नहीं दिखता है, अगर लाइट ले रहे हो तो बहुत ही बुरा दिखता है। तो आपके सेट के मुताबिक ही आप लीजिए। कोई भी शॉप में जाइए, फाउंडेशन के सेट को देखिए, आपके स्किन के साथ कौन सा मैच कर रहा है उसी हिसाब से आप लीजिए। उसके बाद डट करके पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और एक टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। उसके बाद पाउडर में सेट कर रही हूँ। पाउडर में अप्लाई की हूँ मैं लैक्मे का पाउडर। आप कोई भी कम्पैक्ट पाउडर या और लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो। उसमें सेट करने से हमारा जो फाउंडेशन कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, जो कि ये वाले जो मेकअप है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं मेबेलिन का ये आई शेडो पैलेट ली हूँ। इसमें से एक ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से उसको मेरे जो क्रीज एरिया है उसमें अप्लाई करते हुए, लेफ्ट टू राइट करते हुए उसको ब्लेंड कर रही हूँ। स्मोकी आई लुक क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा ही एफर्ट लगता है, लेकिन दिखता है जैसे है कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है। तो उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। आई शेडो को भी आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा दिखता है वो। उसको ब्लेंड कर तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क कलर का ब्लैक कलर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ब्राउन कलर ली थी। उसके बाद ब्लैक कलर लेके आईलिड के ऊपर उसको प्लेस कर रही हूँ। फिंगर के मदद से कर सकते हैं या ब्रश के मदद से भी कर सकते हैं। तो बस रेडी हो गया हमारा स्मोकी आई लुक। देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, उसी के साथ कितना ईजी भी है। तो आप इसको कोई भी फेस्टिवल में कैरी कर सकते हो, कोई भी ड्रेस या साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकते हो। सेम प्रोसेस से मैं दूसरे आई को भी फिल कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल सा है गाइस। ज़रूर आप लोग घर में ट्राई करना और ब्लेंडिंग अच्छे से करना अपने फाउंडेशन कंसीलर और आई शेडो को, तभी आपके मेकअप लुक जो है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो देखिए अभी आई लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे जो भी फॉल आउट वगैरह हुआ है उसे थोड़ा सा क्लीन कर देना है, ताकि और जो ब्लैक कलर का आई शेडो है वो इधर उधर होके आपके मेकअप को ख़राब ना करे। उसके बाद आप लाइनर, काजल सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़े से पाउडर में और एक बार सेट कर दी हूँ जब भी फॉल आउट हो रहा है उसको क्लीन करने के बाद। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर लगाने से भी नहीं दिखता है क्योंकि ये स्मोकी आई है, फिर भी लगा लेते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल लगाना है, हमारे जो लैसेस होता है उसमें आप लाइनर लगा के ही लगाओ तो ही अच्छे से रहता है। अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप स्मोकी आई क्रिएट कर रही हो तो काजल को थोड़ा सा मोटा सा रखो एंड थोड़ा सा स्मज कर लो तो वो और भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे आईज़ को भी बड़ा बड़ा दिखाने में बहुत मदद करता है, तो मैं वही कर रही थी। उसके बाद आईब्रो को भी सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आईब्रो को जितने अच्छे से आप सेट करोगे आपके फेस के जो शेप है वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है मेकअप में आईब्रो फिल करना। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी में ब्लशर लेके उसे ब्लेंड करते करते मैं मेरे चीक बोन में अप्लाई कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लशर नहीं लेना है, नहीं तो जोकर दिखोगे। उसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर ली हूँ मैं, मेरे जो आईज़ का कर्नर है या आईब्रो बोन है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। आप चाहो तो नोज़ बोन को भी हाईलाइट कर सकते हो, उससे और एक मतलब एक ग्लोई सा मेकअप लुक उभर के आता है। उसके बाद चिक बोन में भी थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लिपस्टिक है। आपके जो मेकअप लुक है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप सही सेट का लिपस्टिक लगा रहे हो या नहीं। अगर आप ये मेकअप लुक में कोई पिंक सेट का या कोई अदर सेट का या न्यूड सेट का लिपस्टिक लगाओ
तो इतना अच्छा नहीं दिखता है जितना कि ये ब्लड रेड कलर स्टेक वकी का लिपस्टिक मैं ली हूँ। ये जो ब्लड रेड कलर का लिपस्टिक लगाने के बाद ये जो मेकअप लुक है और भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद टाइम है थोड़ा सा ज्वेलरी का। ये जो ज्वेलरी है मीशो का है, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ मीशो हॉल में, आप लोग मेरे प्ले लिस्ट मीशो हॉल चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद एक छोटा सा बिंदी लगाई हूँ। आप मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो जो ह्यूमिडिटी होता है या गर्मी की वजह से मेकअप सारे सेट नहीं होता है, धीरे धीरे वो बहने लगता है पसीना में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल में सिंपल रखी हूँ, सिर्फ एक पॉप बनाई हूँ और उसको साइड में क्लिप में से टाई कर ली हूँ। और हेयर को मैं ओपन ही रखना चाहती थी पहले, तो मैं उसको टाई करके देख रही थी कि अच्छा दिख रहा है या नहीं। टाई करने से भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि चलो छोड़ो, मेरे थोड़े से हेयर लंबे लंबे हैं, सिल्की शाइनी हेयर हैं, तो उसे थोड़ा सा छोड़ के देखते हैं किससे लग रहा है। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक, मैं सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। एंड ये हो गया गाइज हमारे फेस्टिव मेकअप लुक। आप कोई भी ड्रेस कोई भी साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकते हो इजीली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे और कोई मेकअप लुक देखना है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। आगे मैं आप लोगों को फुल लुक भी दिखाऊँगी, साड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे ड्रेप की हूँ, ताकि जो नॉर्मल साड़ी है उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।